फांसी दो, फांसी दो, कुशाग्र के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, कुशाग्र के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, कुशाग्र के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, कुशाग्र के हत्यारों को फांसी दो। कानपुर के कुशाग्र हत्याकांड मामले में अब लोगों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। एक मासूम छात्र की हत्या से आक्रोशित लोग अब सड़कों पर उतरने लगे हैं। शहर के अलग अलग हिस्सों में सैकड़ों लोग कैंडल मार्च निकालकर आरोपियों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। देश का युवा होने के नाते ये बोलना चाहता हूँ, मैं सभी उच्च अधिकारी और एवं माननीय मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ को ये अनुरोध करना चाहता हूँ, उनसे ये मांग करता हूँ कि इस बच्चे के जो हत्यारे हैं, बच्चे के जो गुनाहगार हैं, उनको सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सख्त से सजा मिलनी चाहिए कि आगे भविष्य में कोई भी ऐसा काम, कोई भी अपराधी ऐसा काम ना कर पाए। दरअसल कानपुर के कपड़ा व्यापारी मनीष कनौडिया के 16 साल के बेटे कुशाग्र कनौडिया के अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कुशाग्र की पहली ट्यूशन टीचर रचिता, उसके प्रेमी प्रभात और दोस्त शिवा को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। एक मासूम छात्र की हत्या से आक्रोशित लोग शहर के अलग अलग क्षेत्रों में कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। सभी की मांग है कि आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं किसी भी परिवार पे ऐसी विपदा ना आए और जिन लोगों ने इस कांड को किया हो उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार करे उस पर और दंड दे, सजा दे, उनको फांसी दे। न्यायगंज क्षेत्र के साथ शास्त्री नगर में भी व्यापारियों और आम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। उन्होंने कुशाग्र को श्रद्धांजलि दी और आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग उठाई। कुशाग्र को न्याय दिलाने की मांग लखनऊ तक पहुंच गई। वहां पर भी व्यापारियों ने कैंडल मार्च निकाला और आरोपियों को फांसी देने की मांग उठाई। कुशाग्र 16 वर्ष का एक मासूम सा छात्र था। पड़ोसियों से लेकर उसके टीचर्स और सभी यारों दोस्तों का ये कहना था कि वो एक बहुत ही नेक दिल बच्चा था और शायद यही कारण है कि उसकी जघन्य हत्या होने के बाद से कानपुर के लोगों में काफी आक्रोश है। वो सभी एक ही मांग कर रहे हैं कि कुशाग्र के आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।